कांग्रेस की प्रांतीय भारत जोड़ो यात्रा रामपुर पहुंची। रामपुर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र देव गुप्ता और शहर अध्यक्ष नोमान खान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। धमौरा में पहले ध्वजारोहण किया गया, फिर अंबेडकर पार्क में कांग्रेस नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद बेगम नूरबानो ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई और उसकी शुरुआत की। यात्रा थाना सिविल लाइन राहे मुर्तजा शाहबाद गेट से होती हुई गांधी समाधि पहुंची, जहां गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर यात्रा का समापन हुआ। यात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत भी हुआ। इस दौरान पूर्व सांसद बेगम नूरबानो ने कहा कि देश की जनता नफरत फैलाने वालों का सामाजिक बहिष्कार करे। देश में नफरत के नाम पर सत्ता हासिल की जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा में खलबली मची है। देश को मोहब्बत के रास्ते पर विकास के पथ पर राहुल गांधी की यात्रा मोहब्बत का संदेश दे रही है। पिछले 4 महीने से राहुल गांधी देश जोड़ने के लिए पैदल चल रहे हैं। वो अपने लिए नहीं, देश की एकता के लिए चल रहे हैं। संदेश यही है कि यहाँ आजकल के हमारे भारत के जो हालात हैं वो बहुत बिगड़ गए हैं। यहाँ पे बिल्कुल महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोगों के पास रोज़गार है नहीं, और जो रोज़गार था वो ख़त्म होता जा रहा है। और उसके अलावा जो आपस में झगड़े और लड़ाई कराने का कुछ लोग कयास कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं मज़हब के नाम पर, वो बहुत गलत हो रहा है। जब सब ने मिलके, सारे मज़हब के लोगों ने, सारे बड़े छोटे लोगों ने मिलकर, हर ज़ात बिरादरी के शख्स ने जब इस मुल्क को, भारत को आज़ादी दिलवाई, सब साथ थे, कंधे से कंधा मिलाए खड़े थे। आज इतने सालों के बाद अभी 100 बरस भी नहीं हुए और उनको अलहदा करने की कोशिश की जा रही है। ये यात्रा ये कि सब मिलके, हर मज़हब के लोग, हर ज़ात बिरादरी के लोग, गरीब अमीर सब साथ चल रहे हैं एक बात कहने के लिए कि हमें ये पसंद नहीं है, हम नहीं चाहते कि ये सरकार हमें अलग अलग करे। हमारे छोटे छोटे बच्चे, उन्हें हमें तालीम दिलवानी है। हमारे बहू बेटियां हैं, हमारी बेटियों को ब्याहना है। आज कौन सी यात्रा निकली? भारत जोड़ो यात्रा है, आप वहाँ से शुरू हुई है। और सारे क्या लगता है इससे कितनी मजबूत होगी कांग्रेस? मैं समझती हूँ, अगर जितनी मैं देख रही हूँ पब्लिक में, जो आवाम है, जो जनता है, जनता के दिल में और दिमाग में अगर सही बात है और वो जानते हैं कि आने वाले मुस्तकबिल उनका है, मेरी उम्र के लोगों का नहीं है, मेरी उम्र तो जाने वाली है, इन लोगों के बच्चों की आने वाली उम्र है, उस उम्र में इनके हाथ में है। आज के दिन ये बच्चे जो मेरे खड़े हैं यहाँ और ये नौजवान खड़े हैं, इनके हाथ में है कि अपने बच्चों के लिए क्या सोचेंगे। और मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी को लाएंगे ये मजबूती के साथ और सरकार बनाएगी और फिर इनके सबके काम करेगी, अपने अपने नहीं करेगी। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष रेशमा भी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष इमरान खान, अदील मियां, सालिम खान, यावर खान, वासिफ अली, आलिम हुसैन आदि मौजूद रहे।